नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है, ये पाम फिर से आया है। ये पाम पहले भी हम लोग एक बार एनालिसिस कर चुके हैं और कुछ दिनों बाद ये पाम आया है और इसी दिन कुछ दिनों में यहाँ पे इस पाम में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रही है। ये सारे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमें दिख रही है इस पाम में। तो इनका जो सवाल है, ये बिज़नेस कर रहे हैं और इनके बिज़नेस में इनको कैसे सक्सेस मिलेगा, इनके बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। वो क्यों है वो तो हम लोग जान लेंगे ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा मिशन रहते हैं। तो वो सारे इंडिकेशन इस पाम में हैं। आगे जो पहले जो पिछले पाम का जो एनालिसिस का जो था, उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ का पाम भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा और ये चेंजेस वगैरह भी आप लोगों को क्लियर दिखेगा। तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं उसी के बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे और इनके करियर में इनको कैसे सक्सेस मिलेगा एक बार फिर बार हम लोग एक बार दोहरा लेंगे। तो ये जो पाम है, एक स्क्वायर पैटर्न के पाम है और स्क्वायर शेप के पाम बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत वालों का होता है। ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से फिजिकल मेहनत कर पाते हैं और फिजिकल मेहनत की वजह से इनको सक्सेस भी अच्छी खासी मिलती है। और अगर इस पाम को देखें, माउंट वगैरह ठीक ठाक है, मरकरी माउंट मोटा मोटी ठीक ठाक है। थोड़ी सी नर्वस है यहाँ पे मरकरी माउंट और मरकरी की फिंगर है वो थोड़ी छोटी हुई है। तो इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम रहेगी है, लिटिल बिट कम्युनिकेशन में वीक रहेंगे और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मरकरी माउंट से नहीं दिखेगी। जो मेन पॉजिटिवनेस है इस यहाँ पे, ये लाइन पहले जो पाम थी वहाँ पे ये लाइन बिल्कुल हल्की थी, जो हमें एकदम क्लियर दिख रही है। यहाँ पे ये फिश नुआ फॉर्मेशन जो पिछले पाम में हम लोगों ने देखा था, इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, अभी पूरा क्लियर है। देख लीजिए ये फिश, देख लीजिएगा ये फिश साइन एकदम क्लियर अभी दिख रही है। पिछले जो एनालिसिस थी उसमें क्लियर नहीं थी। ये कंफर्म कराती है इनकी जो ये जो एफर्ट दे रहे हैं अपने बिजनेस में वो पॉजिटिव साइन में है और ये इनको मनचाही सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। इनकी क्या मनचाही सक्सेस है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये सक्सेस इनको दिलाएगी ही। ये पहले बिल्कुल भी नहीं थी, अभी हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रही है। आगे 2-3 महीने बाद अगर ये फिर से अपना पाम भेजे तो हम देखेंगे कि ये कितना डेवलप हुआ। ये ज़रूर डेवलप होगी और बेहतरीन तरीके से दिखेगी आगे चल के, ऐसे क्लियर दिखेगी। जब इनको बहुत बेहतरीन तरीके से, तब से इनको सक्सेस भी मिलने लगेगा। एक तो ये फिश हुआ, दूसरा यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन भी बन रही है। ये पिछले पाम में भी हम लोगों ने एनालिसिस करके निकाला था कि इस यहाँ पे एक स्टार है। तो ये स्टार फॉर्मेशन फिर से यहाँ पे दिख रही है हमें क्लियरली। स्क्वायर भी है, स्क्वायर साइन भी है, स्क्वायर है, स्टार है और एक कंप्लीट फिश है। ये सारे कंफर्म कराती है और यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ सन माउंट इनके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अगर ऐसे मार्च से आए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मार्च से कोई सनलाइन आए, इन लोगों को ज़्यादा एफर्ट डालनी नहीं पड़ती है, इन लोगों की कैरियर में सक्सेस हो ही जाती है। अगर मार्च से कोई सनलाइन आके सन माउंट में तक चली जाए, तीन लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है अपने सक्सेस के लिए। स्क्वायर आ जाए तो इनके रिस्पेक्ट में कभी कोई हानि नहीं पड़ती है। सन माउंट में अगर कोई बुरी निशान हो या बुरी तकलीफ हमें दिख रही हो सन माउंट या सनलाइन में, वो दूर हो जाता है, उसका प्रोटेक्शन दिलाती है। इन लोगों के रिस्पेक्ट वगैरह, मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट या कामकाज के जगह पर रिस्पेक्ट हमेशा अटूट रहता है, कामकाज फैला हुआ रहता है। स्टार अगर सन माउंट में हो और मेन लाइन की फॉर्मेशन से हो, इनके कैरियर में बूस्ट शुरू से ही मिलती है, जहाँ से सनलाइन शुरू हो जाती है। सनलाइन इनके करीब थोड़ी देर से शुरू हो रही है, तो इनको देर में थोड़ी देर में जाके ये स्टार साइन के कारण इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। हम लोग एज बाद में चल के कैलकुलेशन करेंगे सनलाइन कहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पाम से में सैटर्न माउंट देखें, सैटर्न माउंट में भी एक फिश फॉर्मेशन हमें दिख रही है। सैटर्न में फिश दिख रही है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करे तो स्टार नुआ फॉर्मेशन भी दिख रही है। अगर ऐसे देखे तो ये स्टार बनता है, ऐसे देखे तो ये स्टार बनता है, ऐसे देखे तो ये फिश बनते हैं, ऐसे देखे तो दो फेथ लाइन आते हैं। तो
इतने सारे बढ़िया अगर पॉजिटिव साइन मिल जाए आपके पाम में और सारे के सारे क्लियर हो तो सक्सेस तो आपके मिलेगा ही मिलेगा, तो इनको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। दो फेथ लाइन हो तो दो करियर बनते हैं, लेकिन वो लेटर पार्ट में है, अभी नहीं है। ये फेथ लाइन मार्स, ये आपकी माइंड लाइन से शुरू हो रही है और जुपिटर में जा रही है। जुपिटर की तरफ जाती हुई फेथ लाइन ये दर्शाती है कि मैनेजरियल लेवल या फिर एक टीम को हैंडल करने का काम आप ज़रूर करेंगे। अगर जब जॉब करते हैं तो मैनेजरियल लेवल के काम करेंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो ऊपर की पोस्ट में बैठ के आप काम करेंगे, दूसरों को आप अपनी तरह अपनी हिसाब से काम भी करवा पाएंगे। मैनेजरियल लेवल का काम होते हैं कि दूसरों से काम करवाए, तो कंपनी का मालिक भी वही काम करता है और कंपनी में जॉब करते हुए मैनेजर भी वही काम करते हैं। दूसरी फेथ लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और ये सन की तरफ जा रही है। सन की तरफ जाती हुई फेथ लाइन ये दर्शाती है कि इनको ऐसे काम में सक्सेस मिलेगा जिसमें बाहर की तरफ, मतलब बाहर कंट्री बोलिए, बाहर मुल्क बोलिए, वहाँ पे उसके साथ अगर ये जॉब कर काम कर सकें तो इनको सक्सेस मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, किसी भी तरह मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ये बिज़नेस कर सकते हैं, जो बाहर के कंपनी हैं, दूसरे बड़े बड़े कंपनी रहते हैं विदेश में, उन लोग कंपनी के साथ अगर किसी तरह से ये काम करते हैं उनको में इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बाहर चल के अगर ये बिज़नेस करते हैं फॉरेन कंट्री में जाके, तो उनको सक्सेस मिलेगा। तो ये सारे पॉजिटिव साइन हमें दिख रही है कि ये सक्सेस ज़रूर मिलेगा इनको और बेहतरीन तरीके से मिलेगा। जुपिटर माउंट में एक बहुत बड़ी एम्बिशन लाइन है, एकदम जुपिटर के अंदर चली गई और सलमनिंग के कारण यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्मेशन बन रही है। स्क्वायर साइन बनना, अगर ऐसे लाइन जाए, दो सलमन रिंग दिख रही है हमें, तो धर्म के प्रति बोलिए या फिर इस साइंस वगैरह, ये मिस्टिक साइंस जैसे एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री, इनमें इंटरेस्ट रहती है, इनमें नॉलेज भी किसी किसी को रहती है। इतनी लंबी एम्बिशन लाइन हो तो एम्बिशन भी पूरा होता है और एम्बिशन भी बड़ा होता है, जितनी बड़ी एम्बिशन लाइन उतनी बड़ा एम्बिशन, तो एम्बिशन भी इनके बड़े हैं। स्क्वायर हो तो दूसरों को ये सिखाने में काबिल रहते हैं, अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं या फिर बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को भी अपना काम सिखाने में ये माहिर रहेंगे कि अपने एम्प्लॉई को काम सिखा के उनसे काम करवाना में भी ये माहिर रहेंगे। तो ये सारे गुण इनके जुपिटर माउंट में हमें दिख रही है। मार्स माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन पावरफुल तो है, तो ये फील्ड वर्क भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। स्क्वायर पाम में मार्स माउंट का पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि स्क्वायर पाम लोग फिजिकल मेहनत करते हैं और उसके साथ अगर मार्स पावरफुल हो जाए तो ये अच्छी तरह से फील्ड वर्क भी करने लगते हैं, तो फील्ड वर्क ये कर पाएंगे अच्छी तरह से। मार्स माउंट में हमें दिख रही है राहु लाइन का बहुत ज़्यादा कुछ वार नहीं है, हल्की पुल्की दो एक लाइन आके टच कर रही है, लेकिन वो भी मार्स लाइन के सपोर्ट के साथ, तो ज़्यादा नुकसान इन्हें मार्स लाइन से या राहु लाइन से नहीं होगी। वेनस माउंट देखें बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन है, इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से लग्जरी से गुजरेगी। अगर ये स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे भी इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी से इनकम के लाइन हमें दिख रही है। ये फिशनुमा फॉर्मेशन वेनस माउंट में ये दिखे तो उस लोगों को इन्वेस्टमेंट पे सक्सेस मिलती है। बहुत सारे खड़ी लाइन, ऐसे ही खड़ी लाइन चाहिए जिन लोगों को जो काम कर रहे हैं और उस हिसाब से इनको पैसे भी चाहिए, तो इतनी लंबी लंबी ये जो लाइन की मैं बात करता हूँ इनके पाम में है, बहुत सारे लंबे लंबे खड़े खड़े वेनस माउंट से लाइन ये दर्शाती है, ये जितने भी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा इनको पैसे ज़रूर मिलेगा। 100 रुपये का काम करने में 120 रुपये का फ़ायदा इनको ज़रूर होगा। अगर ऐसे खड़ी लाइन हो तो इनको सक्सेस भी इसी तरह से मिल ज़रूर जाती है। मून माउंट भी ठीक ठाक है, दो लाइन मून माउंट से निकल रही है, दो फेथ लाइन ऐसे ऐसे निकल रही है और आगे चल के और दो फेथ लाइन ऐसे चल रही है, तो ये इनके मून माउंट और फेथ लाइन का कॉम्बिनेशन है। ये जो दो फेथ लाइन ये दर्शाती है कि इनके शादी के बाद इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ये अगर शादी कर चुके हैं तो इनको सक्सेस मिलेगा बहुत ही जल्द, अगर शादी नहीं कर चुके हैं तो शादी होने के बाद इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और वो जो साइन मुझे यहाँ पे दिखा वो पहले नहीं दिखा था इस पाम में, इनकी अभी एज करीब करीब 30 है और अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें तो ये इनके 35 है और ये जो एज पीरियड दिख रही है हमें ये करीब करीब 30 में क्या हो रही है, जो इनके करंट एज है 30 में इनकी फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है। ये जो फेथ लाइन नहीं होती है, ये फेथ लाइन का सपोर्टिंग लाइन होती है, लेकिन इनकी 30 से मेन फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। और उस लाइन के पास ये क्या है, ये एक स्टार फॉर्मेशन है।
स्टार फॉर्मेशन अगर बन जाए फेथ लाइन के साथ और करियर के शुरू में ही, तो इनको बहुत ही ज़्यादा किक मिलती है अपनी करियर में। इसी एज में आपको एक ग्रैंड सक्सेस मिलेगा, अगले एक डेढ़ साल के अंदर ही आपको एक ग्रैंड सक्सेस मिलेगा। ये एज पीरियड आपकी रहेगी करीब करीब 28-29 से 32 तक, आपको एक ग्रैंड सक्सेस मिलेगा इस टाइम पीरियड में, मिलेगा ही मिलेगा। स्टार फॉर्मेशन अगर फेथ लाइन में बनता है तो सक्सेस ज़रूर मिलता है और आपको भी मिलेगा ये स्टार फॉर्मेशन के साथ। तो ये स्टार इनको अभी मतलब कुछ ही दिनों में इनको बहुत ज़्यादा एक सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। तो ये हमें मिला कि इनको बहुत ही जल्द सक्सेस मिलेगा। और ये जो साइन हम लोगों को ऊपर माउंट में मिला, ये भी बहुत ही अच्छी थी, फिश साइन थी, स्टार थी, हर एक माउंट में, सैटर्न में, सन में फिश है, स्टार है, स्क्वायर है, माउंट वगैरह भी अच्छी खासी है, पाम भी बेहतरीन है, फेथ लाइन भी बहुत ही दो अच्छी तरह से निकल रही है। ये तो हमें 30 में सक्सेस दिला रही है और ये करीब करीब इनकी आएगी, ये स्टार्ट हो रही है करीब करीब 35 से। तो 35 को जाके शायद ये दूसरी एक और एक बिज़नेस करे, इस बिज़नेस के सक्सेस के बाद 35 में चल के ये और एक सक्सेस ज़रूर इनको मिलेगा। आगे चल के भी कोई भी फेथ लाइन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक कट है, शायद ये एक्सपेंसेस वगैरह होगा उस टाइम पीरियड में, या फिर छोटे मोटे नुकसान हो जाए, लेकिन मेन फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है और ये ज़िंदगी भर तक ठीक ठाक चल रही है। इस फेथ लाइन के ऊपर एक स्टार और फिश साइन है, ये मेन साइन लाइन के ऊपर भी एक स्टार और फिश साइन है। तो ये सारे इंडिकेशन दिखाती है कि इनको बहुत ही ग्रैंड सक्सेस मिलेगा। इनके सनलाइन भी शुरू हो रही है करीब करीब 35-36 से। तो 30 में ही इनकी कैरियर स्टार्ट हो रही है स्टार के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से सक्सेस मिलेगा इनके कैरियर में। 35 में चल के नया फिथ लाइन और सनलाइन चल रही है, जो भी इनको और एक बूस्ट देगा वहाँ पर भी चल के इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अभी इनकी मेन लाइन वगैरह देखें तो एक बार देख लेते हैं हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन ऐसे करके जुपिटर और सैटर्न के बीच में ख़त्म हो रही है, तो ये बेस्ट फॉर्मेशन होती है हार्ट लाइन की ख़त्म होना, जहाँ पे ये दूसरों को भी धोखा नहीं देते हैं और दूसरे भी इनको धोखा नहीं देते दे पाते हैं फिनांस के मामले में। तो ये अच्छी कॉम्बिनेशन है। माइंड लाइन अगर देखें तो लंबी माइंड लाइन है, लंबी माइंड लाइन होने के कारण आपको एक ही काम बहुत दिनों तक करना है, आपको मतलब फ्रिक्वेंटली अपना कैरियर चेंज नहीं करना है, मतलब जो बिज़नेस अभी आप कर रहे हैं शुरू कर चुके हैं उसी को आपको करना है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से सक्सेस मिलेगा, नहीं तो वो सक्सेस रेशियो कम होता जाएगा। मतलब अगर 10 करोड़ कमाने वाले थे, शायद उसमें नया अगर काम चेंज करते रहेंगे तो 10 करोड़ की जगह शायद 6 करोड़ या 5 करोड़ में आ जाए, लेकिन एक ही काम आप जितने दिनों तक करेंगे उसमें आपको उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है। लाइफ लाइन देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वेनस माउंट को घेर के रखा है और यहाँ पे 2-3 असेंडिंग लाइन भी दिख रही है। तो ये असेंडिंग लाइन बीच बीच में आपको सक्सेस दिलाती रहेगी, करीब करीब 42 में पहली असेंडिंग लाइन है, दूसरी असेंडिंग लाइन करीब करीब 50 में है। तो ये सारे आपको उस टाइम पीरियड में जाके लेटर एज में सक्सेस दिलाएगी। माइंड लाइन के ऊपर एक फ्लोटिंग लाइन है, फ्लोटिंग लाइन अगर माइंड लाइन के ऊपर हो और एम्बिशन लाइन हो, तो इन लोगों के एम्बिशन कैसे रहते हैं हम लोग जानते हैं, इन लोगों के एम्बिशन नेवर सेटिस्फाइड रहते हैं। इन लोगों को कितनी भी सक्सेस मिले ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इन लोगों को एक सक्सेस मिलने के बाद ये रेस्ट नहीं करते हैं, उस सक्सेस को इन्जॉय करने के बजाय ये दूसरे नए गोल सेट कर लेते हैं और उसके काम के लिए ये चल पड़ते हैं। तो ऐसे रहेंगे इनके करियर में, नेवर सेटिस्फाइड, एक एम्बिशन रहेगी, बहुत बड़ा बड़ा एम्बिशन रहेगी, उसको अचीव भी करते रहेंगे, एक अचीव करेंगे दूसरे गोल सेट करेंगे उसके लिए फिर से लड़ेंगे। और ये इजीली मल्टी मिलियनियर का पाम है, इसमें तो अलग से कुछ बोलने के लिए नहीं है इस पाम में, और सक्सेस भी इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर और कुछ देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल लाइन भी है, माइन लाइफ लाइन से ऐसे लाइन आके मून की तरफ आ रही है, मेन फेथ लाइन का एक पार्ट निकल के सन की तरफ जा रही है, फेथ लाइन का कुछ ब्रांचेस जो आके मिल रही है ये भी मून माउंट से ही आ रही है, यहाँ से एक इंट्यूशन लाइन जैसे दिखने वाली लाइन निकल रही है। तो ये जो ट्रैवल लाइन दिखा रही है इनकी फॉरेन कनेक्शन बहुत अच्छी खासी है, ये बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करेंगे, ये ऐसे भी हो सकते हैं फॉरेन में ये बहुत दिनों तक काम के लिए जाए भी, फॉरेन में भी रहे, इस तरीके का भी ये पाम में इंडिकेशन है। फॉरेन जाके आगे चल के अगर सेटल करना है वो उसका भी पोजीशन है, फॉरेन काम के वास्ते अगर जाना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये फॉरेन फ्रिक्वेंटली जा पाएंगे।
ये इंट्यूशन वाली लाइन जो हमें दिख रही है, ये थोड़ी बहुत इंट्यूशन पावर इनमें होगी, और ये एग्जैक्टली इंट्यूशन लाइन ही है, ये एकदम क्लियरली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग तो दिख रही है ठीक ठाक इंट्यूशन लाइन वाली, लेकिन एंडिंग और नहीं समझ में आ रही है। आगे चल के ये क्लियर हो जाएगी तो हम लोगों को पता चलेगा कि इंट्यूशन लाइन ही है कि नहीं। लेकिन अगर मून लाइन मून माउंट से शुरू होकर कोई लाइन मर्करी तरफ देखे, या मर्करी की तरफ जाने के, या फिर मार्स डिफेंसिव मार्स इस पार्ट में जाने की, या इस टाइप इस पार्ट में देखने की कोशिश करे, तो इन लोगों में थोड़ी बहुत इंट्यूशन पावर रहती है, तीन में भी थोड़ी बहुत इंट्यूशन पावर ज़रूर रहेगी। ये सारे पॉजिटिवनेस इनके पावर पाम में है। तो इनका जो मेन सवाल है कि इनके बहुत बड़े एम्बिशन है, वो सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं। इनके बहुत बड़े एम्बिशन क्यों है? क्योंकि नेवर सेटिस्फाइड फ्लोटिंग लाइन है और एक बहुत बड़ा एम्बिशन लाइन है। अब वो अचीव हो पाएगा कि नहीं? ज़रूर हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव साइन हमें यहाँ पर अपर अमाउंट में मिला। फेथ लाइन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फेथ लाइन में, आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फेथ लाइन है, दोनों के दोनों पावरफुल है। सन लाइन भी आ रही है मार्स माउंट से, वो भी अच्छी खासी पावरफुल है, और ऊपर माउंट में जो हम लोगों को साइन देखा, तो इनके जो करियर का जो एम्बिशन का गोल है वो ज़रूर सक्सेस हो पाएगी, चाहे वो किसी भी लिमिट के हो, चाहे वो किसी भी लिमिट के सक्सेस हो, ये अचीव ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मेहनत करेंगे ये आम लोग नहीं कर पाएंगे। ये लोग अगर फ्लोटिंग लाइन वाले ऐसे होते हैं कि ये सेटिस्फेक्शन तो इनके पास होते नहीं है, और ये कभी भी बैठते भी नहीं हैं, ये हर वक्त काम करते रहते हैं। एक गोल अचीव करेंगे, दूसरे में दूसरे एक सेट करेंगे, और उसमें वो काम करने लगेगा। ये सारे ये सारे गुण के वजह से ये ज़रूर अपने काम में, अपने एम्बिशन में सक्सेस ज़रूर हो पाएगा। तो इसी के साथ रखते हैं ये पाम की एनालिसिस। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए। आगे एक नया पाम लेके बहुत जल्द आएंगे।